So today I am here with all of you. We'll start the new chapter number 3 of English, going for a picnic. We'll start going for a picnic. Have you ever gone to picnic? आप कभी गए हो picnic पे? कभी गए हो? अपनी family के साथ घूमने के लिए outing पे, जहाँ पे आप बहुत सारा अच्छा अच्छा food लेके गए हो और आपने खाया हो, आपने fun किया हो, मस्ती की हो, गए हो? अगर नहीं गए तो लॉकडाउन के बाद जाना, ठीक है? तो नाउ वी विल स्टार्ट विद आवर चैप्टर गोइंग फॉर अ पिकनिक. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद रीडिंग. इट इज संडे. व्हिच डे इज इट? इज इट संडे? संडे का दिन है, ठीक है. समीर इज गोइंग टू पिकनिक विद हिज फैमिली. समीर एक बॉय है. हम स्टोरी सुन रहे हैं एक बॉय और एक गर्ल की जो कि पिकनिक पे जा रहे हैं, ठीक है. समीर इज गोइंग. समीर कहाँ पे जा रहा है? पिकनिक पे. With his family, Samir is going to picnic. किसके साथ जा रहा है? अपनी फैमिली के साथ, अपनी मम्मा के साथ, पापा के साथ, दादाजी के साथ, दादी जी के साथ, अपनी फैमिली के साथ जा रहा है, ठीक है. Grandfather tells Sara. Grandfather दादाजी होते हैं. दादाजी को क्या बोलते हैं? Grandfather. दादाजी को क्या बोलते हैं? Grandfather. Grandfather tells Sara. Grandfather सारा को बताते हैं टू गेट द पेपर प्लेट्स, कि जाओ और पेपर प्लेट्स लेके आओ. ग्रैंडफादर क्या कहते हैं सारा को? कि जाओ और पेपर प्लेट्स लेके आओ, ठीक है. अब मुझे आप ये बताओ कि कौन सा डे था? संडे. विच डे वॉज इट? संडे. समीर कहाँ पे जा रहा है? पिकनिक पे. समीर इज गोइंग टू पिकनिक. किसके साथ जा रहा है? विद हिज फैमिली. विद हिज फैमिली. ग्रैंडफादर क्या कहते हैं सारा को? क्या लेके आओ? पेपर प्लेट्स. क्या लेके आओ? पेपर प्लेट्स. सारा रन्स. सारा भागती है टू द किचन. किचन क्या होती है? रसोई, ठीक है. सारा कहाँ भागती है? रसोई की तरफ, किचन की तरफ भागती है. द पेपर प्लेट्स आर ऑन द शेल्फ. पेपर प्लेट्स कहाँ पड़ी होती है? किचन में शेल्फ पे पड़ी होती है पेपर प्लेट्स, ठीक है. शी पिक्स देम अप. वो क्या उठाती है? पेपर प्लेट्स को उठाती है. क्या उठाती है? पेपर प्लेट्स को उठाती है. शी गिव्स देम टू द ग्रैंडफादर. वो अपने ग्रैंडफादर दादाजी को वो लाके दे देती है. वो पेपर प्लेट्स किसको देती है? शी गिव्स टू होम. ग्रैंडफादर अपने दादाजी को देती है, ठीक है. फिर ग्रैंडफादर क्या कहते हैं उसको? थैंक यू. क्या कहते हैं? थैंक यू. जब भी कोई भी आप हेल्प करते हो, किसी की भी हेल्प करते हो, तो आपको क्या बोलते हैं? थैंक यू. तो आपको उनका वेलकम भी करना चाहिए, है ना. जब भी कोई आपकी प्रेस करता है तो आपको बोलना चाहिए थैंक यू. कोई आपकी तारीफ करता है तो आपको बोलना चाहिए थैंक यू, है ना. तो ग्रैंडफादर क्या बोलते हैं? थैंक यू. यू आर अ गुड गर्ल. तुम बहुत अच्छी बच्ची हो. क्या बोलते हैं दादाजी? थैंक यू. यू आर अ गुड गर्ल. तुम बहुत अच्छी बच्ची हो, ठीक है. नाउ आई अगेन रिपीट. विच डे वॉज इट? संडे. Which day was it? Sunday. Samir is going where? To the picnic. Samir कहाँ पे जा रहा होता है? Picnic. With whom? किसके साथ? Family के साथ, ठीक है. Grandfather किसको बोलते हैं paper plates लाने के लिए? Grandfather tells Sara. Grandfather tells Sara to go and take the paper plates and bring the paper plates. Sara runs to the kitchen. Sara running करती है किचन की तरफ. और कहाँ पे पड़ी होती है पेपर प्लेट्स? शेल्फ पे. वेयर आर द पेपर प्लेट्स केप्ट? ऑन द शेल्फ, ठीक है. शी पिक्स देम अप. वो उनको उठाती है और ग्रैंडफादर को जाके दे देती है. और ग्रैंडफादर उसको क्या कहते हैं? थैंक यू. यू आर अ गुड गर्ल. थैंक यू. यू आर अ गुड गर्ल. नाउ आई विल टेल यू सम स्पेलिंग्स, ठीक है, जो कि न्यू आई हैं इस चैप्टर में. एंड आई विल help you in reading that, ठीक है. First of all, read the chapter. Chapter 3, G-O-I-N-G, going. G-O-I-N-G, go. G-O, go. I-N-G, ing, going. G-O, go. I-N-G, ing, going. F-O-R, for. A, P-I-C, pick. N-I-C, nick, pick, nick. P-I-C, pick. N I C nick, picnic. Now, S U N D A Y, Sunday. S U N sun, D A Y day, Sunday.
S-U-N, sun. D-A-Y, day, someday. S-A-M-E-E-R, Sameer. S-A-M, some, E-E-R, Sameer. S-A-M-E-E-R, Sameer. G-R-A-N-D, grand. G-R-A, grand. N-D, nerd, grand. F-A-T-H-E-R, father. F-A-T-H-E-R, father. G-R-A-N-D, grand. F-A-T-H-E-R, father, grandfather. F-A-M, fam. I-L-Y, illy, family. F-A-M, fam. I-L-Y, illy, family. S-A-R-A, Sara. S-A-R-A, Sara. P-L-A, play. T-E-S, tastes. Plates. P-L-A-T-E-S, plates. P-L-A-T-E-S, plates. E silent here. S-H-E-L-F, shelf. S-H-E-L-F, shelf. S-H-E-L-F, shelf. P-I-C-K-S, picks. P-I-C-K-S, picks. P-I-C-K-S, picks. So these were new words. ठीक है, तो this it will help you in reading. You have to read till I have taught you. ठीक है, then we will discuss more points tomorrow. Till then, take care, be at home, be safe, bye.